तो कैसे हैं आप लोग? Hey, what's up everyone? I am back with new video. So, भाई आज जो है ना सुबह ही उठ गया था मैं. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि मैं 15 डेज का अपने आपको टारगेट दे रहा हूँ, वर्कआउट वगैरह टाइड होगा. So, भाई सीन ये था कि दोस्त जो है ना जिम भी मेरे साथ जा रहा है आजकल, तो उससे हुई थी बात. वो आएगा मेरे पास साथ जो है वॉक करने चले गए. जब उसने कॉल करी मेरा फोन जो लगा हुआ था साइलेंट पे, मुझसे मिस हो गई कॉल. और मैंने एक घंटे बाद जो उस टाइम पे उसने कॉल करी थी ना उसके एक घंटे बाद कॉल देखी थी. वो भी भाई फिर वॉक वगैरह करके आ गया होगा. पानी भी ऐसा ठंडा आ रहा है ना कि भाई हाथ धोने जाओ हाथ ठंडे हो जाते हैं कि दर्द होने लग जाता है, इतना ठंडा पानी आ रहा है. मैं तो गैलरी में ही बैठ गया हूँ कुर्सी लगा के, धूप में, धूप आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है धूप में बैठने में. धूप मैंने बोला थोड़ी देर खा लो भाई इधर बैठ. सर्दियों में यही धूप अच्छी हो जाती है, गर्मियों में यही धूप बुरी लग रही होती है. ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ पहले, फिर बैठ जाऊँगा धूप में आके. बस ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो रहा है अभी. एक्चुअली क्या हुआ है कि भाई मैं ओट्स बनाना भूल गया रात में जो है बना के रेडी करके रख देता हूँ, सुबह जो है गरम करके उसको खा लेता हूँ. तो वो करना मैं भूल गया था, तो अभी जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें था नहीं. तो बस ये हो जाए रेडी, फिर ये बहुत गरम गरम भी होगा, फिर इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा अभी खाने के लिए, मुँह जलेगा वरना. तो इसमें टाइम लग गया है. नाश्ता करने के बाद मैं चला गया था और अभी आया हूँ. और अभी मैं गीजर देखने जा रहा हूँ कि भाई चल रहा है या नहीं, गर्म पानी आ नहीं रहा, शायद बंद हो गया होगा. नहीं चल रहा था, अभी आके मैंने इसको घुमाया है, सेटिंग जो होती है ऑन हो गया है. सो मज़ा आ रहा है भाई, ऊपर तो ठंडी हवा चल रही है, धूप निकली हुई है. दिन में धूप निकलने के बाद ठंडी इतनी नहीं रहती है, सुकून सा फील होता है इधर आके. जिम जा रहा हूँ वर्कआउट करने, और क्योंकि शाम में जो है पेरेंट्स की जो है वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो उसके लिए भी मुझे जल्दी आना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जा रहा हूँ. सीन ये हुआ कि मैंने अपना वर्कआउट जो प्लान है, वर्कआउट प्रोग्राम, वो मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है. अब मैं जो मेरा जो वर्कआउट प्लान चल रहा है वो चल रहा है पुश पुल लेग्स. पुश पुल लेग्स में ये होता है कि एक दिन में 3 मसल ग्रुप टारगेट होते हैं. पहले जो प्लान फॉलो करता था वो था ब्रो स्प्लिट. ये होती है कि डे बाय डे वर्कआउट करते हैं, फर्स्ट डे चेस्ट, सेकंड डे लेग्स एंड थर्ड डे शोल्डर, इस टाइप का. तो अब पुश पुल लेग्स हो गया भाई. इसमें जो है वॉल्यूम भी बढ़ गया है, इंटेंसिटी भी बढ़ गई है. वर्कआउट प्लान जो है चेंज करना चाहिए. मैंने ब्रो स्प्लिट बहुत अरसे यूज करा, मैंने ब्रो स्प्लिट प्लान यूज करा, उसके बाद पुश पुल लेग्स में यूज कर रहा हूँ. मुझे ये इफेक्टिव लगेगा तो मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत अरसे मैंने वाला फॉलो कर लिया. केक वगैरह का ऐसा सीन था कि ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर दिया था, तो वो घर पे डिलीवर हो जाएगा. जब तक मैं आऊंगा वो घर पे डिलीवर हो जाएगा. तो भाई खाने वाने का भी करना है, खाने का जो है वो फिर लेना पड़ेगा जो भी है. सो अभी मैं जिम जा रहा हूँ, फटाफट से मिलते हैं सीधा जिम में. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. Until I broke the rules, my life did.
the first time of today. Today. You're a superhero. वर्कआउट करने के बाद डिनर में जो है चिकन मिली, भरपूर प्रोटीन और थोड़ा सा भाई केक भी चल गया। थोड़ा बहुत, थोड़ा ही खाया मैंने, ज्यादा नहीं, ओवर नहीं हो गया मैं केक को देख के कि नहीं भाई कूद जाओ बस उसके ऊपर, सारी डाइट जो है उसकी रेड लगा दो। नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल खाया, लिमिट में। मेरे पेरेंट्स की थी एनिवर्सरी तो बहुत मजा आया उनके साथ सेलिब्रेट करके, तो उम्दा सा वर्कआउट हुआ था और पोस्ट वर्कआउट मील भी बहुत टाइट हो गई आज की। सड़कें गवाही देंगी इतनी अपनी असल हसल, और वो कहते बना तू जानी मसल वसल। मैं हंसता इन पे क्योंकि ये सब रियल है, तू फील है मलंग मिजाज और लिबास भी, सुनता सबकी करता अपनी भरी है सादगी, जिसने बनाया सिर्फ वो ही मेरा जज भी। डोंट जज मी।